हुए एक के बाद एक छोड़ रही हैं सीरियल और उसके बाद खाली बैठने के लिए हो रही है मजबूर और सीरियल छोड़ने के बाद इन्हें देखकर कहना पड़ता है क्योंकि ये भी कभी बहुएं थी। प्रत्युषा ने बालिका वधु छोड़ा तो अब तक उन्हें कोई सीरियल नहीं मिला। हाल फिलहाल में सुनारिका ने भी महादेव छोड़ दिया है। रुबीना के भी पुनर्विवाह छोड़ने की खबर आ रही है और अब शामीन मेनन ने भी कह दिया है संस्कार को टाटा बाय बाय। प्रत्युषा ने छोड़ा बालिका वधु, सोनारिका ने छोड़ा महादेव, रुबीना भी हुई पुनर्विवाह से अलग, शामीन ने छोड़ा संस्कार। क्या ये बहुएं हो गई हैं मगरूर? क्या ये बहुएं शोहरत के नशे में हो गई हैं चूर? क्या सीरियल छोड़ने का बहुओं ने बना लिया है दस्तूर? एक के बाद एक सीरियल छोड़ रही बहुओं को देखकर तो यही सारे सवाल जहन में आते हैं। और प्रत्युषा सोनारिका की सीरियल छोड़ने की कहानी से लगता भी यही है। ये बहुएं हो गई हैं शोहरत के नशे में चूर, टीवी की स्टारडम ने इन्हें बना दिया था मगरूर। वैसे सबकी हाल फिलहाल में दमदार तरीके से शुरुआत की थी जिया मानिक ने जब उन्होंने छोड़ा था साथिया, लेकिन जिया किस्मत की धनी थी कि उनको मिल गया नया सीरियल जिनी और जूजू। इसके बाद सीरियल बालिका वधु की टैंट्रम क्वीन बनी शो की लीड आनंदी यानी प्रत्युषा बैनर्जी। प्रत्युषा ने सेट पर इतने नखरे दिखाए कि हार कर चैनल वालों को प्रत्युषा को शो से बाहर करना पड़ा। प्रत्युषा को लगा कि शो के छोड़ने के बाद उनके पास नए शोज की लाइन लग जाएगी और उनकी बात शायद स्टार के एक नए शो के लिए चल भी रही थी, लेकिन ऐसा हो न सका। बेचारी प्रत्युषा आनंदी के रोल से भी हाथ धो बैठी और नए शो का उनका प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चला गया है। और हाल ये है कि बेचारी आज खाली बैठने के लिए है मजबूर। ऐसा ही कुछ हुआ है महादेव में पार्वती का रोल प्ले करने वाली सोनारिका भदौरिया के साथ भी। पार्वती का रोल प्ले कर रही सोनारिका ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली कि कहने ही क्या। लेकिन इनके शो से अलग होने की कहानी बड़ी कमाल है। दरअसल सोनारिका है मॉडर्न ड्रेसेस पहनने की शौकीन, लेकिन महादेव शो के प्रोड्यूसर ने सोनारिका को साफ बोल दिया कि पब्लिक इवेंट्स और पार्टीज में भड़कीले कपड़े ना पहने। लेकिन सूत्रों की माने तो सोनारिका ने उनकी एकता सुनी और एक अवार्ड फंक्शन में पहुंच गई भड़कीली ड्रेस पहनकर। स्ट्रिक्टली फॉर्मल ड्रेस कोड तो मतलब वो हो गया, बट एनीवेज रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, सो या। और उस अवार्ड फंक्शन में महादेव सीरियल को भी अवार्ड मिलना था, लेकिन जब शो के प्रोड्यूसर्स ने सोनारिका को ऐसी ड्रेस में देखा तो अवार्ड लेने के लिए पूरी टीम को बुलाया, नहीं बुलाया तो सिर्फ सोनारिका को। और उसके बाद सोनारिका की शो से भी कर दी विदाई। रुबीना के पुनर्विवाह छोड़ने की खबर यूमी और टीवी आपको दे ही चुका है। और अब ताज़ा खबर है कि संस्कार सीरियल की लीड भूमि यानी शामीन मेनन ने भी शो को कह दिया है टाटा बाय बाय और उनकी जगह अब भूमि की भूमिका में नजर आएंगी कदम बोली कदम। इससे पहले जो मेरा हिंदी टेलीविजन पर शो था वो था तीन बहुरानियां, और तीन बहुरानिया के बाद चार साल के बाद मैं हिंदी टेलीविजन पर लौटी। हालांकि शामीन की सीरियल छोड़ने की वजह है उनकी बिगड़ती तबीयत। सूत्रों की माने तो शामीन सेट पर कई बार बेहोश हो चुकी हैं और लगातार शूट करने की इजाजत उनकी तबीयत ने उन्हें नहीं दी। बस फिर क्या, शामीन हो गई शो से बाहर। शामीन के बाहर होने के बाद उनको रिप्लेस कर रही कदम बोली काफी एक्साइटेड है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट से ज्यादा एंग्जाइटी है, थोड़ी नर्वस भी हूँ, बिकॉज एज वी ऑल नो भूमि रिप्लेस हो रही है। और जब एक एस्टेब्लिश्ड किरदार को आप रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस करने वाले एक्टर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो जाहिर है कि मेहनत डबल करनी पड़ेगी। और आज तक लोगों ने भूमि को पसंद किया है तो आशा करती हूँ कि आज के बाद भी करेंगे। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल बहुओं के सीरियल छोड़ने और फिर काम तलाशने के इस हाल पर हम तो यही कहेंगे कि ये भी कभी बहू थी। किरण जैन, मुंबई, E24।